अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर व आफियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ कहीं भी हैं, मुश्किल में हैं, बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, अल्लाह ताला आप सब की, हम सब की तमाम मुश्किलें, बीमारियाँ, परेशानियाँ सब दूर कर दे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू के पराठे बना रही हूँ मैं आज, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी देने लगी हूँ मैं आलू के पराठे की। बहुत मज़ेदार रेसिपी होती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग इस रेसिपी को। यहाँ पर देखें, मैंने आलू लिए हैं, 8 से 10 मेरे पास आलू हैं, मैंने बॉईल किया है इनको, अभी मैं इनको मैश करूँगी। यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच ज़ीरा लिया है, 4 से 5 मेरे पास साबित मिर्चें हैं गोल वाली सुर्ख। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 3 से 4 दाने मैंने इनको चॉप किया है बारीक। 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ काली मिर्च के दाने लिए हैं। 1.5 खाने का चम्मच मेरे पास यहाँ पर नमक है, अभी मैं इसे आटे में और आलू में दोनों में यूज़ करूँगी। 1 मेरे पास मैंने यहाँ पर प्याज चॉप किए हैं, प्याज आपके पास ऑप्शनल है, बिल्कुल आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं तो इसके बगैर भी आप आलू के पराठे बहुत मज़े से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून लिया है अजवाइन, ये भी ऑप्शनल है, आपको इसका फ्लेवर पसंद है तो आप डालें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पर मैंने धनिए के पत्ते लिए हैं, थोड़े से धनिए के पत्ते लाजमी ऐड करना है आप लोगों ने। और यहाँ पर मैंने 1 प्याला भर के आटे का लिया है और 1 प्याला ही भर के मैदे का लिया है। इन दोनों में भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो सिर्फ मैदे का भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ आटे का भी बना सकते हैं। तो चलें जल्दी से पहले आटा गूंद लेते हैं, उसके बाद मैं आलू की फिलिंग रेडी करूँगी। बहुत मज़े के आलू के पराठे बनते हैं, आप लोग इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं, लंच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है ये रायते के साथ, चटनी के साथ। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक यहाँ ऐड करूँगी, 1/2 टेबल स्पून। आटे को हमने नॉर्मल पानी से ही गूंदना है। चलिए अब इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आप लोग सिर्फ आटे का भी बना सकते हैं आलू के पराठे। मैंने यहाँ दोनों चीज़ें ली हैं, मैदा और आटा दोनों। बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं गूंदना है हमने, नॉर्मल आटा गूंदना है, ना पतला गूंदना है ना ही बहुत टाइट गूंदना है। चलें इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंदा करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना पानी लगेगा। 1 मग्गा मैंने यहाँ पर पानी लिया है। चलें इस तरह से जल्दी से आटे को गूंद लेते हैं। ये देखें आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया है, बहुत अच्छे से मैंने 5 से 6 मिनट तक के लिए इसको गूंदा है। यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया है, इनको डाल के अच्छे से इनके ऊपर मिक्स करके इसको आटे को मैं रेस्ट दूंगी। 10 से 15 मिनट के लिए आटे को इस तरह से गूंद के मैं छोड़ दूंगी, जब तक आलू की फिलिंग रेडी करेंगे, हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखें, चले अब इनको साइड पर करते हैं और आलू की फिलिंग जल्दी से रेडी करती हूँ। यहाँ देखें मैंने आलू ले लिए हैं, आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। आलूओं को आप किसी चीज़ के साथ भी मैश कर लें, मैं मैशर की हेल्प से कर रही हूँ। देखें बहुत अच्छे से आलू बॉईल हुए हैं, इनको अच्छे से मैश करके तो फिर इनमें मसाले डालेंगे। देखें सारे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं, चलें इनको साइड पर कर देते हैं। यहाँ देखें मैंने यहाँ पर खड़े मसाले लिए थे, मैंने इनको अभी ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पर सूखी हुई लाल मिर्चें हैं गोल वाली और काली मिर्च और ज़ीरा है, इनको ड्राई रोस्ट करते हैं, उसके बाद इसको कूट के फिर मैं आलू में ऐड करूँगी। तो चलें यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, पैन लिया है मैंने यहाँ पर, पहले मैंने काली मिर्च डाली है, ये गोल सुर्ख मिर्च डाल दूँगी। इनको पहले थोड़ा सा सोटे करेंगे, उसके बाद ज़ीरा डालेंगे। बस इसमें अच्छे से इसको हमने भून लेना है, अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाएगी, फिर हमने इसको उतार लेना है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल काला ना कर दिएगा, ताकि इसका फ्लेवर ख़राब हो जाए। तो चलें ज़ीरा भी डाल देते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें 2 से 3 मिनट हो गए, अच्छे से भून लिया मैंने इनको, बहुत अच्छे से कलर आ गया इनमें, अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो चलें अब मैं इनको कूट लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ आलू की फिलिंग रेडी करते हुए। ये देखें मसाले को मैंने अच्छे से कूट लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, थोड़ा सा मोटा मोटा ही कूटा है। चलें इसमें डाल लेंगे आलू में,
यहाँ एक खाने का चम्मच मेरे पास नमक है, नमक भी डाल देंगे। हरी मिर्चें हैं 3 से 4 मैंने यहाँ चॉप की हुई हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। प्याज है, प्याज आपके पास ऑप्शन है, आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। अजवाइन है 1/2 टीस्पून। धनिया के पत्ते मैंने लिए हैं, आप लोग भी लाजमी इसमें ऐड कीजिएगा धनिया के पत्ते। चलिए अब अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं। चलें जल्दी से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, चलें अब पराठा रेडी करते हैं। चलो यहाँ देखिए आटे को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए मैंने रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया था, इनको मैंने 1 मिनट के लिए मज़ीद गून लिया है, अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है आटे को। तो चलिए जल्दी से पेड़ा बनाते हैं, पराठा रेडी करेंगे। जिस तरह रोटी आप लोग नॉर्मल बनाते हैं घर में, इतने ही साइज़ का पेड़ा लेना है आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ा नहीं लीजिएगा। ये देखें मैंने नॉर्मल पेड़ा ही लिया है। चलिए हम इनको थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस तरह से हाथों से। इसमें आलू की फिलिंग डालूंगी, बहुत ज़्यादा ओवर फिलिंग नहीं करिएगा कि आपकी आलू ये जो है पेड़े से बाहर आ जाए। ये देखें 2 चम्मच मैंने भर के इसमें डाल दिया है आलू का। अब इस तरह से मैंने इसको आटे के अंदर बंद कर देना है। ये देखें बहुत अच्छे से कवर हो गया। चले अब इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देती हूँ। इसी तरह से मैं सारे पेड़े रेडी कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखें मैंने सारे पेड़े इस तरह से बना लिए, मैंने इनको हाथों से थोड़ा थोड़ा बड़ा करके रखा है। चले आटा डस्ट करके इसमें शेल्फ के ऊपर इसको बेलते हैं। बहुत भारी हाथों से आपने इसको नहीं बेलना है क्योंकि आलू की फिलिंग बाहर भी आ सकती है। तो चलिए इस तरह से हाथों से पहले थोड़ा सा बड़ा करके हल्के हाथों के साथ आपने रोटी बेलनी है। फिलिंग के बाद आपने आटे के अंदर फिलिंग करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देना है ताकि आलू की फिलिंग बाहर ना आए, अच्छे से सेट हो जाए आटे के अंदर। और रोटी के साइज़ आप अपने हिसाब से ही बड़ा छोटा रख सकते हैं जितनी रोटी आप लोग खाते हैं। ये देखें मैंने नॉर्मल साइज़ की रोटी बेली है। चले तवे पर डाल लेते हैं इसको। ये देखें फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आई है इस तरह से। और तवा मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, इधर तवा गर्म हो गया है, मैंने रोटी डाल दी है। नमक आप लोग लाजमी टेस्ट कर लीजिएगा आलू में सारे मसाले ऐड करने के बाद। चलें दोनों साइडों से इसको थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे, उसके बाद इसमें घी लगाऊंगी मैं। देसी घी से मैं बना रही हूँ, आप लोग किसी भी ऑयल के साथ घी के साथ बना सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। चलें अब दोनों साइडों से इसको थोड़ा थोड़ा मैं सेक लेती हूँ इसी तरह से, फिर घी लगाऊंगी। ये देखें दूसरे साइड से भी रोटी अच्छे से सिक गई है। तो चलें घी लगाती हूँ। आप लोग गर्मा गर्म आलू के पराठे को रायते के साथ, चाय के साथ भी ले सकते हैं, कुछ लोग इसे चाय से भी खाना बहुत पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ रायते के साथ सर्व करूँगी, आप लोगों की मर्ज़ी। आप लोग चटनी भी ले सकते हैं, चाय भी ले सकते हैं, रायते के साथ भी ले सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी। ये देखें इस तरह से दोनों साइडों पे मैंने घी लगा दी है। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से रोटी फूली है। आटे को आप लोगों ने गूंदने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए लाजमी रेस्ट देना है। बहुत ही मज़ेदार से गर्मा गर्म आलू के पराठे लगेंगे इस तरह से। ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा आप लोग, और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें, सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ मैं। बहुत अच्छे अच्छे आजकल मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जो लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उन लोगों का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आप लोगों को भी अपने मकसद में कामयाब करे हमेशा। ये देखें दोनों तरफ से अच्छे से मैंने पराठे को खा लिया है, ब्राउन सा कलर दे दिया है इसको। चलें अब इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें बहुत खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। चलें इस तरह से चम्मच के साथ प्रेस कर करके अच्छे से सेक लेना है पराठे को। चलें अब मैं दूसरी रोटी डालूँगी।
ये देखें, चलें अब ये बन जाएगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें दूसरा पराठा भी रेडी हो गया। चलो अब इसी तरह सारे बना के फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें हमारे सारे पराठे बनकर रेडी हैं, तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म से आलू के पराठे। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होने वाला है इस आलू पराठे का। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ रायते के साथ सर्व किया है। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।